नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं आरके जायसवाल। आइए खबरों पर नजर डालते हैं। ये हमारे नए कन्वीनर बंटी जी और हमारे को कन्वीनर लवली जी और यहाँ जितने हमारे भाई और बहनों जो यहाँ उपस्थित है, मैं सबको नमस्कार करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। आज बहुत सारी बातें राजीव जी ने और सरदार आरपी सिंह जी ने रखी है। मोदी जी ने खामोशी से बहुत काम किया, फर्क नहीं पीता है, उन्होंने कहा डुगडुगी नहीं पीती, लेकिन डुगडुगी पीटने का काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं और वो विरोध में कर रहे हैं कि मोदी जी ये नहीं कर रहे, मोदी जी ने ये गलत किया है या सरकार ये नहीं चाहती है। दोस्तों, ये बात हमें थोड़ा समझनी पड़ेगी। आज शायद हम जितना आदर मान अपने दिल से भगवान गुरु नानक देव जी को करते हैं, तो इसलिए नहीं करते कि हाँ, एक महान व्यक्ति थे। अभी मैं ले लद्दाख गया था तो ले श्रीनगर सड़क पे एक हाईवे है, वहां पर एक गुरुद्वारा है जहां गुरु नानक जी ने, पत्थर साहब गुरुद्वारा है, वहां गुरु नानक जी ने तपस्या की है। तो मैं भी ले से आगे श्रीनगर की तरफ जा रहा था, तो मैंने गाड़ी रोक के, वो पूरा गुरुद्वारा आर्मी चलाती है, आर्मी की देखरेख में चलता है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, सेंसिटिव एरिया है। तो मैं रुका और पूरा इतिहास उसका देखकर, और जो वहां एक दो हमारे लोग मिले जिन्होंने बताया मुझे, तो गुरु नानक देव जी ने वहां साधना के लिए पूरा वो जो पीर पंजाल का एरिया करके आ रहे थे, तो वहां उन्होंने कुछ दिन साधना की। और साधना क्यों की कि वहां एक बहुत ही शैतान व्यक्ति जो परेशान करता था लोगों को, पत्थर फेंकता था जो भी आता था, तो वहां पर एक ऊंची पहाड़ी थी, उन्होंने नीचे बैठ के साधना की थी। वो पहाड़ी से उन्होंने पत्थर उस शैतान ने फेंका था, गुरु नानक देव जी ने वो पत्थर को हांग लिया था, वो हाथ अभी भी वहां पर मौजूद है, वो हाथ भी हमने देखा। बोले सोनिया, गुरु नानक देव जी की एक कहानी हमने भी सुनी है कि उनका बहुत ही थोड़ा बिगड़ा हुआ शिष्य था, लोगों को परेशान भी करता था, तो गुरु नानक देव जी के आगे चरण नतमस्तक होके, तो एक दिन उसने पूछा कि आप इतना बिल्कुल सरल रहते हो, ना किसी से कुछ कहते हो, ना गुस्सा करते हो, और इतने लोग आपसे मिलने आते हैं, बहुत सारे बिगड़े हुए, सुधरे हुए, सब तरह के लोग आते हैं, सबको आशीर्वाद देते हो, इसका रहस्य क्या है? तो गुरु नानक जी ने कहा कि ये तो हम रहस्य नहीं जानते कि इसका रहस्य क्या है, लेकिन हम तेरा रहस्य जानते हैं, तू 7 दिन के बाद तेरी मौत निश्चित। तो वो एकदम चौंक गया और चौंकने के बाद उसने थोड़ी देर में उस गुरु जी को नमस्कार किया, प्रणाम किया और वहां से चला। और उसके बाद वो 7 दिन लगातार, उसने कहा 7 दिन के बाद तो मौत आनी है, जितने लोगों से उसने बुरा भला कहा, जितने लोगों को गालियां दी, जितने लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, उन सब से जाके वो माफी मांगा। बोले धर्म तो सुधार नहीं होते, ईश्वर की भगवान की पूजा करने लगा, भगवान को मानने लगा जो नहीं मानता था। और जब 7वां दिन हुआ तो बोले अंतिम दिन है तो मैं गुरु जी का आशीर्वाद दे दूं, और जा मक्का देखने के लिए गया गुरु जी के पास। बोले आज तो मेरा अंतिम दिन है गुरु जी, तो आज मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ, मैंने अपने जितने भी, तो गुरु जी ने पूछा 7 दिन तुमने क्या किया? पूरे 7 दिन हमने जिन जिन लोगों को गालियां दी थी, जिन जिन लोगों को बुरा भला कहा था, उनसे जाके हमने माफी मांगी, भगवान की, गुरु की पूजा की, सेवा की, आराधना की, घर वालों को मनाया। तो अब गुरु जी बताइए क्या करना है। तो गुरु जी ने कहा कि यही तो 7 दिन है, तो अब इस 7 दिन के बाद जो जो मौत आने की 7 दिन में,
असलियत वही है जो सुधार हुआ है कि सात गुरु जी ने कहा सात ही दो दिन है, यही तो है। बताइए भगवान ने संडे मंडे ट्यूसडे इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि इसके अलावा कोई दिन मनाया नहीं है। तो सात दिन का उन्होंने जो बताया उससे उनके पूरे जीवन में उसके जीवन में सुधार हो गया। और मैं समझता हूँ ये गुरु नानक देव जी की वाणी, हमारे संत महापुरुषों की वाणी, इसको आज पूरा देश मानता है और आप और हम सब उसी परंपरा के। तो मैं मानता हूं कि जो मोदी जी कर रहे हैं वो बिना किसी प्रचार के कर रहे हैं, बिना किसी आडंबर के कर रहे हैं। इतना बड़ा काम, मैं एक एक काम अगर पढ़ू तो शायद कम पड़ जाएंगे। जो उनकी पुस्तक आई, जो उनके कामों का आज तक के इतिहास में भारत सरकार में कभी इतना सीरियस काम नहीं हुआ है, कौन के लिए नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी उन्होंने इसका प्रचार प्रसार नहीं किया। लेकिन मैं मानता हूं कि इसके प्रचार प्रसार की अगर जिम्मेदारी किसी की है तो ये हमारे जो भाई बैठे हैं, जो बहनें बैठी हैं, इनकी है। हम घर घर जाकर बता सकते हैं लोगों के भ्रम, लोगों की जो षड्यंत्र है उनको दूर कर सकते हैं। आदमी ने कहा कि बहुत गहरी बात कही, उन्होंने संत से जोड़ा है, उन्होंने ऐसा कहा है कि लोग ये मानते हैं संत के पर ये धारणा रखते हैं कि ये बीजेपी और संत एक है और संत के लिए कहते हैं कि हिंदू सिख ये एक कर देंगे। भाई जो कौन जिसने 66 जिनके बच्चे तोप के सामने बलिदान हुए हो और जिनकी बलिदान की परंपरा रही है उनको कौन मिटा सकता है, कौन कमजोर कर बोले जहां अत्याचार होता है जहां अन्याय होता है उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठती है तो वो सिख की उठती है, ये हमें समझना है। और ये भारत की परंपरा है, ये हमारी जमीन की परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है। और मैं ये समझता हूं कि आज नरेंद्र मोदी जी जो गुरु ग्रंथ साहब पर नतमस्तक होते हैं तो उसी परंपरा को निभाते हुए नतमस्तक होते हैं। वो जानते हैं, पहचानते हैं ये बलिदानियों का जत्था है, ये बलिदानियों की परंपरा है। और इसलिए कुछ लोग उनको दिग्भ्रमित करके, वो चाहे कनाडा बैठे हो ये वो चाहे कहीं और बैठे हो, वहां से ऑपरेशन चलाते हो और वो कुछ ना कुछ गलत बातें। आप बताइए कोई ऐसा काम ऐसा हो जो मोदी जी ने ऐसा किया हो जिससे कि कभी किसी भावना को ठेस पहुंची हो? क्या आपको लगता है करतारपुर कॉरिडोर बनाना एक बड़ा कदम, जो गुरु ग्रंथ साहब का भारत की सभी भाषाओं में अनुवाद करना, अभी मैं पढ़ रहा था लंगर सेवा को जीएसटी से मुक्त करना, या फिर 120 करोड़ की लागत से करतारपुर साहब और एक और गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव पर सुल्तानपुर लोधी को हेरिटेज शहर के रूप में विकसित करना, ये आखिर इनिशिएटिव किसने लिया? आज तक किसी सरकार ने नहीं लिया। हो सकता है कि वो वोट की राजनीति करते हो, ये सही का ये चिंतन का, ये हालांकि पॉलिटिकल मामला नहीं है लेकिन ये चिंतन की बात है। मैं दो दिन पहले लखनऊ था, लखनऊ के कॉलोनी में गया, वहां चर्च ही चर्च, ऐसे में सुन रहा हूं पंजाब में कई जगह चर्च। सवाल चर्च का नहीं है, सवाल है हमारी संस्कृति को, वो किस तरह से आगे हम उसको प्रचार प्रसार कर पाएंगे, किस तरह से हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को जोड़ पाएंगे, सवाल वो है। इसलिए उस सवाल को खोजना, उस सवाल का समाधान निकालना ज्यादा जरूरी है। ऐसे अमृतसर में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरफेथ स्टडीज की स्थापना की गई जिसमें 67 करोड़ दिए गए। और ऐसे ही गुरु नानक देव जी की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया और गुरुवाणी का बहुत सी भारतीय भाषाओं में प्रकाशन किया गया। गुरु गोविंद सिंह जी की 325वीं जयंती के मौके पर केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया और 350 रुपए का सिक्का जारी किया, ये भी
और श्री अकाल तख्त साहब, श्री दमदमा साहब, श्री केसगढ़ साहब और श्री पटना साहब और श्री हुजूर साहब के बीच रूट को विकसित किया गया। ये जो पंच तीर्थ है, ये ट्रेन जो चलाई गई है, इसके लिए भी हम लोग मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। 11 दिन का। और जामनगर में 750 हॉस्पिटल्स का, 750 बेड्स का हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। और एक खास बात है जिसके लिए बहुत सारे लोग ये कहते थे कि भारत सरकार हमें साथ नहीं देती है, उसमें प्रमुख बात है विदेशों में रहने वाले जितने अमेरिका, यूके, कनाडा, जिन सिक्कों को ब्लैकलिस्ट किया गया था सिर्फ किसी वजह से, वो कोई वजह हो सकती थी, उनको ब्लैकलिस्ट सूची से हटाया गया। ऐसे 314 लोग हैं जिनको ब्लैकलिस्ट सूची से हटाया गया है। ये भारत सरकार की विदेश नीति का बहुत बड़ा कदम है और वो घर लौट सकते हैं, अपने परिवारों से मिल सकते हैं। ऐसे तमाम काम जिनको लेकर हम अपने समाज के अंदर सिख समाज के भ्रम को दूर कर सकते हैं, उनके संशय को मिटा सकते हैं जो भ्रम फैलाने की कोशिश की, चाहे वो किसान आंदोलन के नाम पे हो या फिर कम्युनिटी के नाम पर हो, तो फिर मुझे ऐसी कौन सी बने बता दीजिए जो ऐसा लगता हो कि हम ये काम, मोदी जी ने काम नहीं किया। बिना मतलब की बातें, बेफिजूल के भ्रम फैला के हम कब तक कौम को भ्रम में रख सकते हैं? आखिर सच्चाई तो किसी को बतानी होगी, सच्चाई के लिए किसी को तो आना पड़ेगा, और सच्चाई के लिए अगर कोई आएगा तो वो सबसे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी सिख सेल के कार्यकर्ता आएंगे, वो घर घर जाकर बताएंगे। गुरुद्वारा में जाकर हम मोदी जी को उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए उनको धन्यवाद कर सकते, ऐसे हम कुछ मौजूद लोगों के साथ बैठकर, कुछ प्रमुख हस्तियों के साथ बैठकर उनसे बात कर सकते। धर्म की बात ही नहीं है इसमें कोई, जो काम मोदी जी ने किए हैं वो एक तरह से ऋण चुकाया है, ये ऋण चुकाया है और फिर भी ऋण चुकाया है, अभी भी मोदी जी उसके लिए करने के लिए पूरी तरह करने के लिए। और ऐसा नहीं उनका कोई भी काम आप देखिए, दो बड़े बड़े अपॉइंटमेंट के इसको चेंज करना, दो बड़े बड़े अपॉइंटमेंट आज तक की हिस्ट्री में कोई सरकार आती थी, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन तो एक खास कम्युनिटी का ही बनता था, मुस्लिम समुदाय से ही बनता था, कोई और दूसरा नहीं बन सकता था। लेकिन अटल जी ने पहली बार सरदार त्रिलोचन सिंह जी को बनाया था और दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने। और अभी उत्तराखंड के गवर्नर साहब बने, लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, और अभी उनको बधाई देने जा रहे। तो प्रधानमंत्री जी ने वो काम करके दिखाया। मैं आपको बताता हूँ थोड़े संक्षेप में, आज आजादी की 75वीं साल मना रहे हैं, 60 साल कांग्रेस ने शासन किया इस देश के अंदर, तमाम नेता हुए, कोई किसानों का नेता हुआ, कोई पिछड़ों का नेता हुआ, कोई मजदूरों का नेता हुआ, कोई एससी समाज का नेता हुआ, कोई सिखों का नेता हुआ, कोई किसी कौम का नेता हुआ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता है जो सबके नेता है, जिन्होंने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अब जोड़ दिया है सबका प्रयास, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो चाहिए, बिना कंट्रीब्यूशन के कुछ नहीं होता है, चाहे गिलहरी का हो, जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, जैसे एक एक मोती करके माला बनती है, देश के हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन है। और वो मोदी जी ने सपना साकार किया है, उन्होंने करके दिखाया है, अभी जो कैबिनेट बनी है उसमें भी करके दिखाया है। हमारे सरदार हरदीप सिंह पुरी जी, जिनकी दिल्ली में अभी जन आशीर्वाद यात्रा निकली है, तो ये सब काम प्रत्यक्ष रूप से, ऐसा नहीं कहते कुछ है, सोचते कुछ है और करते कुछ है, ऐसा नहीं है, उनका एक ही सपना है, जो कहेंगे
उनका एक ही बात है, जो कहेंगे वो काम पूरा करेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, यही भारतीय जनता पार्टी का सपना है, भारतीय जनता पार्टी का काम है, और हम सब लोग उसके सच्चे सिपाही हैं। अगर कोई भ्रम हमारे समाज के अंदर है तो उस भ्रम को दूर कौन करेगा, बताइए कौन करेगा? आवाज थोड़ी कम आई, कौन करेगा? भ्रम को दूर कौन करेगा? तो हम लोग जितने भी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा काम है, उनके कामों को हम घर घर ले जाएंगे, बताएंगे। हो सकता है किसी से हमें थोड़ा सा ज्यादा बहस करनी पड़े, बहस मतलब लड़ाई नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, प्यार से बताते कि बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। तो इसलिए उस काम को हमें अच्छे तरीके से करना है, और मैं मानता हूं कि ये पूरी सिख कम्युनिटी की अस्मिता, उनकी पहचान का सवाल है। जब हमारी पहचान को डाइवर्ट किया जा रहा है, पहचान को मोड़ा जा रहा है, कि हम मोड़कर अपनी कमियों को छुपाने के लिए अगर पंजाब में आज चर्च काम कर रहे हैं, तो इससे बड़ी लानत की बात कोई नहीं हो सकती। जो कौन जिसने हिंदू धर्म का रक्षा कर की हो, और वो कौन के लोग अगर क्रिश्चियन बन रहे हो, तो मैं समझता हूं कि मैं हिंदू के नाते भी ये इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं। तो ये सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, क्या हम उस काम को कर पा रहे हैं? और मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी ने आपको निमंत्रण दिया है, सारे दरवाजे खोल दिए हैं, कोई भी दरवाजा बंद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सब सिखों का स्वागत है और अभिनंदन है पूरे देश के सिखों का। जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, वो दरवाजे को बंद करना चाहते हैं, और दरवाजा इसलिए बंद करना चाहते हैं कि वो जलियांवाला बाग और बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब दरवाजा बंद होगा तो वो नहीं जलियांवाला बाग। बोले निमंत्रण दे रहा हूँ, विचार के लिए, परिवर्तन के लिए जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के कामों को एक बार आप देखें, घर घर ले जाएं, और हम जो 500 मीटिंग जो घर घर करनी है आने वाले समय में, मोदी जी के जन्मदिन का कार्यक्रम 17 सितंबर से 7 अक्टूबर के बाद हम ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। इन हाउस मीटिंग करेंगे, डाइनिंग टेबल पे करेंगे, ड्राइंग रूम में करेंगे, और लोगों को एक एक बात बताएंगे कि ऐसे मोदी जी ने जो काम किया और भी आगे करने वाले हैं, किसी भी तरह के भ्रम में आने की जरूरत नहीं। मैं समझता हूं कि अगर ये काम हमने किया तो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर, चाहे वो दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री में नाम नहीं लूंगा, वो हो या कोई भी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, वो भ्रम उनका टूटेगा और समाज हमारे साथ जुड़ेगा, मैं ये विश्वास कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए।